ठीक है। इसमें एक सूट है, एक ड्रेस है, एक टॉप है और एक वो स्वेटर गरम, ठीक है। हाँ मैं लेके आने थोड़ा सा बड़ा क्यों, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी मतलब हम लेट गए थे, जो मिला मैं तुम्हारे लिए वो भी वो मिठाई का डब्बा वो लेके आई। इसके दिवाली का एक और दे दूँगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे पैकिंग हो गई है, जो कि इसमें बहुत सारा सामान है जो कि घर पे जाएगा, कुछ डेकोरेशन का सामान है और रंगोली अभी हमारी बिगड़ी रही है, और इधर प्रिया का बैग रखा हुआ है और मैं भी रेडी हो गया हूँ, क्योंकि अभी हम पहले जा रहे हैं हम शुप्रा मॉल, क्योंकि वहां से हमें दो एक तो पॉट चाहिए ना, पॉट बोलते हैं ना, पॉट बोलते हैं हाँ, हाँ फ्लावर पॉट चाहिए दो, और उसके बाद एक चाहिए हमें जैक के लिए मतलब कपड़ा स्वेटर टाइप का, क्योंकि सर्दी आ रही है और फिर वहाँ पे मतलब नहीं मिल पाते इतने, एक जैक के लिए दिवाली पे नए कपड़े पहन लेगा लड़का हमारा। तो बस अभी हम चलते हैं बाहर, उसके बाद फिर शायद हम बाहर या शायद खाना खा लें, क्योंकि हम सुबह मतलब हमें सुबह के करीब मान लो 9 बजे से लगे पड़े हैं, 2 बजने वाले, पैकिंग सामान लगे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा घर भी साफ करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि जब हम आए तो हमें वैसा का वैसा ही मिले, भगवान जी आएंगे भाई पीछे तो हमें साथ। हाँ तो अभी बस चलते हैं बाहर, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर हम यहाँ से घर पे निकलेंगे। ठीक बोलना था मैं भूल ही गया, आज है छोटी दिवाली, तो विश यू वेरी छोटी हैप्पी छोटी दिवाली फ्रॉम आर साइड और फ्रॉम आर फैमिली साइड। आगे पीछे लगा लेना अपने साथ, कर लेना क्योंकि अभी जल्दबाजी पड़ रही है थोड़ा सा, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं और लबिया बहुत क्यूट ही लग रहा है, तो उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैक से मिलेंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे, उसके बाद फिर लबी चली जाएगी, मेरा पहला फेस्टिवल होगा आकाश के साथ और मम्मी पापा के साथ भी, तो बहुत मजा आने वाला है और एक्साइटेड, और उसके बाद फिर लवी भैया तो उस पर घर पे चली जाएगी, फिर मैं एक्साइटेड नहीं रहूंगा, फिर मैं यहाँ पर अकेला आऊंगा, वो वाली बात ही बताऊंगा आगे चल के, पहले भी आप ये वाला सफर हमारे साथ शुरू करो। लेट्स गो, चलो बनाए कैसे गई, हमने ये प्लांट्स ले रहे हैं, यहाँ कुछ आकाश दिख रहा है चेक के लिए, कलरफुल लोग व्हाइट है ना अच्छा लगेगा, नहीं ब्लैक एंड व्हाइट कुछ कलरफुल लोग, ये भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हो चुकी है जैक की थोड़ी सी शॉपिंग, सही लग रहा है, अभी हम रुक ले लेते हैं। बहुत शॉपिंग हो गई है, बहुत शॉपिंग हो गई है, बहुत खर्चा हुआ दिवाली पे, चल रहा है। हाँ सही में, हाँ आप तो कभी नहीं पा रहे, अपने लिए तो बचा ही नहीं भैया, और लोग इतने सबको गिफ्ट देना पड़ रहा है। चलो मैं तो सोच रहा हूँ रूरू का हो गया, अब छाया का तो हमने देख लूंगी मैं, बस अब जैक बचा है ना, जैक के कपड़े छाया को भी जाते तो वो दे देना, पैसे ट्रांसफर कर देना, वो अपना तो ले लेगी। हाँ मेरे हिसाब से ही सही रहेगा, पसंद है तो नहीं पसंद है, मैं वैसे भी कार को पेंट ले लूंगा उसके लिए, है ना। अच्छा तुम्हारा पता है, तुम्हारा पता है चलो कैसा है, कैसा जैसे कि कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता है हम फुल स्टॉप लगा देना, ऐसे कर दिया हर एक चीज में, चलो मतलब कोई बात कंप्लीट होगी, चलो चलो फुल स्टॉप लगना जरूरी है ना, पता चला जी कि अब यहाँ पे खत्म हो गया, दूसरा सेक्शन शुरू होने वाला है, आज मैंने आया नहीं है, मैं भी नहीं हूँ क्योंकि रस्ते में जाएंगे तो वैसे ही वैसे बुरे हो जाएंगे, तो सच्चाई का मैसेज है जाके नहाएंगे, अगर तुम ये 15 लाख रुपए दो ना तो मैं तो उनको लेके भागो। अभी मैंने पहली बार क्या बोलते हैं उसको, नान तो भी है ये, मतलब अमृतसरी नान से और ये छोले भटूरे अभी खा रहे हम, मैंने पहली बार देखा छोले भटूरे के साथ रायता, चलो और अंदर लो तुम्हें खा लो आराम से, खाना खजाना हो गया है, अब हम यहाँ से ले रहे हैं जैक के लिए कपड़े और फिर चलते, चलो भाई सबकी शॉपिंग हो गई, जैक की भी हो गई, दिवाली शॉपिंग हार नहीं पाएगा उसको, हाँ सही है, उसको अभी खिलौने एक ही खेलता था, एक ही थे खेलता रहता ज्यादा यार, सस्ते खेल रहे हो, चलो चलो Thank you.
भयंकर जाम था पीछे लोगों का, मतलब ऐसा लग रहा है लोग सारे के सारे लोग पैदल ही चले जाएंगे अपने घर बेचारे। हाँ इस टाइम का फेस्टिवल का टाइम है ना, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलो फिलहाल हम तो निकलते हैं, पहुँचते हैं। कितने खुश हो रहे, कितने खुश हो रहे। अच्छा कल तो नए कपड़े पहनेगा। देख रहा है पीछे भाग रहा है। हाँ अभी डर रहा है भाई। ले आजा आजा। नमस्ते। अरे पैर छोटे छोटे सबके पैर। दस बार आएगा, दस बार इधर 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 यहाँ पर मैंने डेकोरेशन कर दी है और यहाँ पर मंदिर होने वाला है, तो मैंने अपनी ये शादी वाली होती चुनरी वो लगाई है, उसके पीछे फ्लावर और कुछ यहाँ पर लाइटिंग हो गई। इधर एक विंडो थी तो मैंने एक विंडो पे ही लगा दिया और एक विंडो पे नीचे की बंद थी, तो उसके वरना इस पर लगाया नहीं, तो एक विंडो पे ही हो गया, एक विंडो पे हो गया। यहाँ पर मैंने रंगोली बना दी है और कलर्स बहुत अच्छे थे तो बहुत ही अच्छी बनी है और अब तक की मेरी बेस्ट रंगोली है ये। उसके अलावा मैंने पूरे में डेकोरेशन कर दी है और मैं अभी ये सूट पहनने वाली हूँ। मैंने अपनी शादी के नेक्स्ट डे पहना था, उसके बाद अब मैं इसे रिपीट करने वाली हूँ, मतलब सेकंड टाइम अभी से पहनने वाली हूँ। अभी थोड़ी देर में पूजा होने वाली है, तो मैं जाके सीधा नहाऊंगी एंड देन मैं ये सूट पहनूंगी। अभी मैंने बहुत ही सिंपल सूट पहना क्योंकि मैं सोई थी, तो अभी जल्दी से मैं नहा के आती हूँ और ये वाला सूट पहनते हैं। यहाँ हो गई है पूजा की तैयारी, अभी थोड़ी देर में करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर मम्मी मैं पापा आकाश और मैंने भी अपने नहावा के रेडी हुई हूँ। तो ये है मेरा आउटफिट जो कि मैं पहनने वाली हूँ अभी, इसके साथ में ये दुपट्टा है जो कि अभी पहनूंगी, बस दैट्स इट। बाल अभी कॉम कर नहीं सकते क्योंकि पूजा नहीं की, तो अभी बाल हम बाद में करेंगे कॉम, मतलब पूजा करने के बाद करूँगी कॉम वॉम। बस मैंने मेकअप कर लिया और बाल ऐसे थोड़े से पीछे कर लिए और ये दुपट्टा हो गया। चलो